हूँ, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। असद उम्मीद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मेरी इफ्तारी की वीडियोस को इतना पसंद किया है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। आज हम इफ्तारी करने जा रहे हैं मानसेरा, जो कि मेरा होम टाउन भी है। वहाँ के एक नए रेस्टोरेंट की आज इफ्तारी आपको दिखाते हैं, तो साथ रहिएगा इस सफर में। तो हिडन हिल्स रिज़ोर्ट पे हम आए हैं, जो कि मानसेरा में टूल प्लाजे से बिल्कुल जस्ट 200 मीटर पहले जो है लेफ्ट पर इसके जो है तो रास्ता जाता है। ये थोड़ी सी हाइट पर है, एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इसमें होटल है, रिज़ोर्ट है, फिटनेस क्लब भी है और दो इसमें हॉल्स हैं जो कि शादी और बाकी फेस्टिवल्स वगैरह के लिए आपकी कोई सेलिब्रेशन हो तो आप उसकी बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं, इफ्तार भी करते हैं। ये जगह जो है इन्होंने जो है तो नमाज के लिए प्रे के लिए बनाई हुई है। अफ्तार के लिए ये उन्होंने पूरी सेटिंग की हुई है, बूफे अफ्तार के लिए। और चलिए आपको दिखाते हैं जो कि इनका स्टेज है फॉर सेलिब्रेशंस, मैरिज पार्टीज के लिए इनका जो स्टेज है बहुत ही उम्दा बना हुआ है, बड़े अच्छे इसके जो है आर्टिफिशियल फ्लावर्स के साथ। इम्प्रेसिव, बहुत ही प्यारा दिलकश मनाजर है मानसेरा के, और बड़ी हाइट पर बड़ी अच्छी वादी के पूरा यहाँ से नीचे मानसेरा नज़र आता है। अच्छा, तो ये मैनेजर है यहाँ पर, इनसे थोड़ी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वाई साहब, क्या नाम है सर? जी जाहिदुल्लाह खान सर। अच्छा जाहिद भाई, तो यहाँ पर ये कितने अर्से से ये रेस्टोरेंट है? सर आलमोस्ट 1 ईयर हो गया है। तारा में इस तरह की कोई इन्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट की गई है कि आई होप सो के दिन मनाल और जो हमारे अदर मार्केट्स में जो हमारे हॉस्पिटलिटी फील्ड से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन से उससे ज़्यादा बेहतरीन सर्विसेज है, इन्वायरमेंट है, एम्बियंस है और व्यू है, सारा एक आपने देख लिया। अच्छा, ये बिल्कुल सही कहा, ये मनाल का जो स्पेशली जो टच है ना, वो ये दिलकश मनाजर जो है यहाँ से आते हैं और इंशाल्लाह रात को हम देखते हैं। ये फर्स्ट इन्वायरमेंट है कि जो हज़ारा के रीजन पे एक हाईली फाइली जो बफेट इफ्तार बफे दे रहे हैं, और ये ऑलरेडी हमारे बॉसेस की तरफ से 50% डिस्काउंट पे है, तो आई होप सो कि आप इंजॉय करेंगे। 1500 में है और काफ़ी वेराइटीज़ है, मोर देन 36 to 40 हो जाती है, तो इंशाल्लाह आई होप सो कि आप दिन इंजॉय करेंगे और हमारे जो आने वाले जितने भी मौजूदीन हैं ऑलमोस्ट वो यहाँ पे इंजॉय कर चुके हैं और हमें अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू। ये सारी फ्रूट चाट है, नीचे दही भले। जी सर, दही भले। चलो जब रखते हैं तो देखते हैं। ये पुदीने की चटनी, आलू बुखारे की ये रायता है, और ये कितनी चटनियां हैं, और सलाद देख सकते हैं, ग्रीन और बीन्स और रेड बीन्स और तरह तरह के सलाद्स हैं। रियली अमेजिंग फूड है, बहुत ही अच्छी फूड है और बहुत ही ज़्यादा जो है इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी है। ये दिलकश मनाजर आप देख सकते हैं सनसेट के, इस पहाड़ को कोहे भींगड़ा बोलते हैं।
दूध वाली रूह अफ़ज़ा की अबशार देख लें, कंटिन्यू जो है ये एक फाउंटेन है रूह अफ़ज़ा का, और साथ में जो है लेमन वाली रूह अफ़ज़ा, साथ में टैंक। हाँ हाँ हाँ, बस अफ्तारी के टाइम का इंतज़ार हो रहा है। अच्छा जी, मुंह मीठा करने का टाइम हो गया, खाना तो बड़ा ज़बरदस्त था। ₹1500 में बहुत ही ज़्यादा जो है इनकी वैरायटी है खाने की, और बहुत ही उम्दा लोकेशन है। हाईली रिकमेंड करूँगा इस जगह को, अगर आपका मानसहरा की तरफ चक्कर लगे तो मस्ट कम हैव अ विज़िट। का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।